हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्पीच बाय संध्या में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके का इडली बैटर कैसे बनता है। इसके लिए मैंने इडली वाला चावल लिया है, ये स्पेशली इडली के लिए आता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा छोटा और गोल गोल दाना होता है। वैसे आप कोई सा भी चावल यूज कर सकते हो, बट ये स्पेशली इडली और डोसा के लिए आता है चावल। ये 2 कप मैंने लिया है चावल। धुली हुई उड़द की दाल मैंने ली है 1/2 कप। 2 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है। चावल को अलग अच्छे से वॉश कर लेंगे। एक अलग बर्तन ले लेंगे, दाल इसमें डाल लेंगे उड़द वाली, इसी में मेथी दाना डाल देंगे। दोनों को अलग अलग अच्छे से वॉश कर लेंगे। चावल को मैंने अलग वॉश कर लिया अच्छे से, और ये उड़द की दाल और मेथी को एक साथ अच्छे से वॉश कर लिया है। अब जितना ये दाल है इसका डबल हम पानी डालेंगे। चावल में भी चावल के डबल पानी डालेंगे। दोनों का ढक्कन लगा देंगे। 6 से 7 घंटा या ओवरनाइट के लिए इसको हम भिगो के रखेंगे। दाल और चावल को मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था, अब इसको पानी से मैंने ड्रेन कर लिया है। अब इसको हम पीस लेंगे। पहले दाल को पीसेंगे। मिक्सी जार ले लिया है, दाल रख लेंगे। दाल को हमें बिल्कुल चिकना पेस्ट बनाना है। अभी इसमें मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ, जब जरूरत होगा तो और डालेंगे। दाल को मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। बाद में मैंने 1/2 कप पानी और डाला था, तो दाल को पीसने में टोटल 1 कप पानी लग गया है। एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, दाल के पेस्ट को इसमें डाल लेंगे। इसी मिक्सी जार में चावल डाल लेंगे। एक बार में तो चावल नहीं पीस पाएगा, 2 से 3 बार करके इसको पीसेंगे। चावल का पेस्ट में बिल्कुल बारीक नहीं करना है, हल्का सा दरदरा होना चाहिए। 1/2 कप पानी डाल रहे हैं अभी इसमें हम। दाल वाले घोल में ही चावल का घोल डाल लेंगे। ये मैंने हल्का दरदरा पीसा है, जो हमने 1/2 कप पानी डाला था उससे ज्यादा नहीं डाला है मैंने इसमें। सारे चावल और दाल पीस के मैंने इकट्ठा इस पतीला में रख लिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसको किसी कलछी या स्पैचुला से नहीं मिक्स करना है, 1 से 2 मिनट हाथों से ही मिक्स करेंगे, क्योंकि हाथों की गर्माहट से इसके फर्मेंटेशन में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो इसलिए 1 से 2 मिनट हाथों से ही अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी बैटर में हम पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे। बैटर अगर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो अच्छे से फर्मेंट नहीं हो पाएगा। अगर आप सर्दी के दिनों में इडली बैटर बना रहे हैं तो करीब 20 से 22 घंटे आपको इसको रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ेगा। या तो किसी वुलन शॉल वगैरह कपड़े से इसको अच्छे से कवर करके अलमारी वगैरह में रखना पड़ेगा, यानी कि गर्म जगह पे, या ओवन अवेलेबल हो तो ओवन में रख दें, और उसके बगल में गर्म पानी जिसमें से स्टीम निकलता हो आप रख दें, जिससे बैटर को गर्माहट मिलेगी तो जल्दी से फॉर्मेट हो जाएगा। और गर्मी के दिनों में बना रहे हैं तो गर्मी के दिनों में 9 से 10 घंटा काफ़ी है इसको फॉर्मेट होने में। ढक्कन लगा देंगे। अभी मौसम ठीक ठीक है, अप्रैल का मंथ चल रहा है, आज 9 तारीख है, तो आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है पर ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको ऐसे ही रख देंगे किसी गर्म जगह पे फॉर्मेट होने के लिए। इडली का बैटर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल डबल हो चुका है, और प्लेट को पसीना भी आने लग गया है। ये अच्छे से फॉर्मेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इडली और जो डोसा होता है दोनों का बैटर करीब करीब एक तरह ही बनाया जाता है। थोड़ा सा फर्क होता है, इडली के बैटर में जो हम चावल पीसते हैं वो हल्का दरदरा रखते हैं, और डोसा के लिए जो बैटर बनाते हैं उसमें चावल हम बिल्कुल बारीक पीसते हैं।
तो इसी तरह से दोनों बैटर तैयार हो जाता है। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो बैटर बहुत ही अच्छा बनेगा। और इस बैटर को फ्रिज में रख के हम 2 से 3 दिन आराम से यूज कर सकते हैं। उम्मीद है हमेशा की तरह आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।